एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। गाइस, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क में मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, टाइम कैसे मैनेज करें। बहुत सारे स्टूडेंट का टेलीग्राम पर मैसेज पड़ा हुआ था और मेल्स भी मिले थे मुझे, तो मैं आपको बताती हूँ। रीजनिंग और मैथ्स 40-40 मार्क्स का होता है, 45 मिनट्स होते हैं, कैसे टाइम डिसाइड करें। तो आप स्टार्टिंग में क्या करो, 25 मिनट्स रीजनिंग के लिए दो और 20 मिनट्स अपना मैथ्स के लिए दो। अब आपको नहीं पता कौन सा पोर्शन एग्जाम में मान लो मॉडरेट आ जाए और एक थोड़ा सा ईजी आ जाए, तो ये तो आपको देख के ही पता लगेगा। लेकिन अभी जब आप स्टार्टिंग में जब अपने टेस्ट दे रहोगे तो आप यही टाइम मैनेज करके चलोगे। जब आप 10 से 12 टेस्ट दे दोगे तब आपको खुद ही एक चीज़ समझ में आने लगेगी कि हाँ, हमें किस पोर्शन को कितना टाइम देना है या कैसा पोर्शन किस टेस्ट में कौन सा सब्जेक्ट हमारा टफ आया था। अब जैसे हम बात करें रीजनिंग का, तो आपका 4 to 5 पजल्स होंगी, तो हर एक पजल में आपका लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो आपको वहाँ से बल्क में क्या कहते हैं मार्क्स मिलते हैं। तो आप क्या करो, अलग से 4 पजल्स और सीटिंग उठाओ और उनको 12 मिनट्स में करने की कोशिश करो। ये आपको डेली बेसिस पे करना ही करना है, ठीक। बाकी मिसलेनियस की प्रैक्टिस आपकी क्विजेस और मॉक टेस्ट से हो ही जाएगी, डायरेक्शन डिस्टेंस और जो भी सलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया। इसके बाद बात करते हैं मैथ्स की, कि मैथ्स में कैसे अपना टाइम मैनेज करें। तो अगर मान लो 25 मिनट्स आपने रीजनिंग को दे दिए, देन आपके पास 20 मिनट्स बचते हैं। तो अगर मैथ्स आपकी मान लो वीक है या जिसकी स्ट्रांग है तो वो तो ऑब्वियसली कर ही लेगा, लेकिन इसकी वीक है तो आप ऐसे पोर्शंस पर ज़्यादा टाइम दो। लाइक जैसे नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन हो गया, ठीक। तो इनमें क्या होता है, आप बल्क में प्रैक्टिस करो। लाइक जैसे नंबर सीरीज पैटर्न नहीं समझ में आते या रॉन्ग के नहीं आते, तो आप 50 क्वेश्चंस उठा लो और उनको करो। तो इससे क्या होगा कि जब आप बल्क में प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस की, तो आपका माइंड ओपन होता है कि हाँ, इसमें ये हो सकता था या इस तरह के लॉजिक्स लग रहे हैं, ठीक। तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो आपको ऐसे ही करना है। बाकी आप, मैंने YouTube पे भी कराया हुआ है ऑल पैटर्न नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक की भी अलग से क्लास ली हुई है, कहोगे तो मैं लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी उनके। अब इसके बाद बात आती है कि अर्थमेटिक और DI में कि पहले क्या करना है। तो गाइज देखो, DI जो होती है वो आपकी सिंपली ज़्यादातर आती है RRB में, आपकी परसेंटेज बेस्ड हो गई, एवरेज बेस्ड, और वही लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट। तो इसमें आपको क्या करना है कि आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। अब जैसे बहुत लोगों को अर्थमेटिक में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप पहले DI को कर लीजिए, ठीक। अगर मान लीजिए एक DI आपको कैलकुलेटिव लग गई, तो आप उसकी जगह छोटे छोटे जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन हैं उनको पहले अटैम्प्ट करो। अब कैसे अटैम्प्ट करना है, कैसे जाने, तो वैसे देखो, कॉन्फिडेंस आपको पता होता है कि आपका वीक एरिया क्या है, आपका स्ट्रांग एरिया क्या है। तो आप क्या करोगे, जिन क्वेश्चन को देखते ही लगता है ना कि हाँ, मैंने कर सकते हैं, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं अगर इसको अटेम्प्ट करूंगी तो मैं कर ले जाऊंगी, तो आप उसको पहले छोगे। अदरवाइज जो आपके कॉन्फिडेंट पार्ट है, जो लगता है कि हाँ, इनको हम अच्छे से पहले कर सकते हैं, आप उनको पहले करोगे। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना जरूरी है, ग्रीन जो आता है वो करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो आगे क्वेश्चन आपसे होंगे, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन का सिलेक्शन रखिए, आपके पास अभी टाइम है, अभी आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो मॉक टेस्ट में। तो आप देखिए वीक एरियाज पे और स्ट्रॉन्ग एरियाज को कितना टाइम देना है, कैसे वर्क करना है, ठीक है। डेफिनेटली स्कोर जाएगा, और एनालिसिस बहुत अच्छे से करिए। मॉक टेस्ट देना जितना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा है आपका मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना। अगर आप अच्छे से मॉक टेस्ट की एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तो आप नेक्स्ट टाइम अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं देख पाओगे, ठीक है। अगर आपका कोई टॉपिक वीक है या फिर पजल्स नहीं अटेम्प्ट हो पा रही, तो आप अलग से उनकी प्रैक्टिस करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गर्मी बहुत ज्यादा है, फैन खराब हो गया, इसलिए पसीना आ रहा है। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी 10 PM क्लास होगी, जुड़ना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।